नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 जुलाई 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे ये देख करके पीड़ा होती है कि कांग्रेस ने किस तरह से सरकार चलाई है, क्योंकि कांग्रेस के राज में न शिक्षा के क्षेत्र में, न हेल्थ के क्षेत्र में और न ही गरीबों के विकास के लिए कोई काम हुआ है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण, यानी कभी सोचते हैं ये कोई पेंटर का काम नहीं है, कुछ तो था, विज्ञान किसी न किसी रूप में उपलब्ध था। और आज वो आधुनिक तौर तरीके के साथ हम लोगों के सामने आ रहा है, जहां पर हमारे पूर्वजों ने खगोल शास्त्र के संबंध में जो कुछ भी कहा था, उस समय उनके पास कौन से साधन थे, लेकिन चंद्र सूर्य उपग्रहों की दूरी जो उन्होंने उस समय बताई थी, वो आज भी विज्ञान उसको टैली कर रहा है। यानी कोई ऐसी व्यवस्थाएं रही होगी तो इन बिटवीन काल में सब हमारा नष्ट हो गया होगा। और इसलिए पुरानी सोच या पुराना शास्त्र आज लैब के अंदर सिद्ध हो रहा है। तो गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है एक क्षेत्र में, और देश में ये पहली सरकार है जिसने विषय में सोचा है। लेकिन ये सोचने के पीछे कारण क्या है? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की खबर जो आप तक पहुंचाई जाती है जिन लोगों के माध्यम से, वो ये बताते हैं आपको इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये इंडस्ट्री आ रही है, वो इंडस्ट्री आ रही है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाती है। अभी मैं भी जो बता रहा हूं कल अखबार में पढ़ने को मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, टीवी पर दिखाई देगा इसकी संभावना कम है। लेकिन ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दो ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करने का हम प्रयास करते हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ सेक्टर। मैं तो इसी वर्ष जो वाइब्रेंट समिट हुआ था, दुनिया के करीब 43 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटीज यहां थी, और उन्होंने गुजरात के साथ मिलकर के 21st सेंचुरी के लिए किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता है और किस प्रकार के नए एकेडमिक सिलेबस की आवश्यकता है, उस पर बड़ी गंभीरता से सोचा। और 23 से अधिक यूनिवर्सिटीज खास गुजरात की यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने एमओयू किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा एक नए क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी सर्वाधिक एमओयू हुए हैं, यानी सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं हो रहे, एग्रीकल्चर हो, पानी की व्यवस्था हो, हम विश्व में जो उत्तम व्यवस्थाएं हैं, विश्व में जो उत्तम अनुसंधान है, उन चीजों को गुजरात की धरती पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का एक हिस्सा है कि 2009 में वाइब्रेंट समिट में जो एमओयू हुआ था, वो काम आज पूर्ण होकर के आपको डेडिकेट किया गया। गुजरात सरकार ने बहुत बड़ी पूंजी लगाई है इसी क्षेत्र में काम करने के लिए, और जैसा जयनारायण भाई ने बताया, इससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इससे भी ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हमने सूरत पसंद किया है। और मित्रों, इस क्षेत्र में जाने का मुझे मन क्यों किया, एक बहुत ही दर्द भरी कथा है उसके पीछे। शायद इतने बड़े भवन में और इतने बड़े मशीन जो अंदर लगे हैं, उसके पीछे जो दर्द है वो शायद किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आज अवसर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम
हम गुजरात के लोग हैं, हम 6 करोड़ नागरिक साथ रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे राज्य के ट्राइबल बेल्ट में, उसमें भी साउथ गुजरात का ट्राइबल बेल्ट, डांग, बलसाड़, तापी, नर्मदा, बलसाड़, उमरगांव, इस बेल्ट में ट्राइबल कम्युनिटी में जेनेटिकली सिकल सेल की एक बड़ी भयंकर बीमारी है। दुनिया एचआईवी से तो कांपती है, उसको पता है कि कितना भयंकर है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है सिकल सेल कितना भयानक, उस पीड़ादायक दर्द होता है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अनेक सरकारें गुजरात में आके गई, ये सिकल सेल मेरी सरकार आने के बाद नहीं आया है। कैसे क्योर करना, कौन सी दवाई काम करेगी, उसमें अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन मित्रों, पुरानी किसी सरकार को पता तक नहीं था कि इस राज्य के अंदर इतने बड़े समूह को इस पीड़ा से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये पहली सरकार है जिसने ये खोज के निकाला कि भाई हमारा ये समाज इस पीड़ा से कैसे दर्द से जी रहा है, और तब से मन में ठान कि हम आधुनिक से आधुनिक विज्ञान को लाएंगे, संशोधन करेंगे, सामाजिक क्रांति के लिए प्रयास करेंगे, और इन गरीब आदिवासियों को हमेशा हमेशा के लिए संकट से मुक्त करेंगे। हमने एक काम किया, एजुकेशन फील्ड में एक ये ट्राइबल बेल्ट के जो सिकल सेल फैमिलीज हैं उनके बच्चों का मेडिकल टेस्ट पहले ही कर लेते हैं, लाखों बच्चों का रेगुलर उसका काम हम करते हैं, और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं उनको हम समझाते हैं कि आप भी अपने माँ बाप के कारण सिकल सेल के हेरिडिटरी आप पेशेंट हैं, भविष्य के लिए जरूरी है कि एक सिकल सेल का पेशेंट दूसरे नॉन सिकल सेल पेशेंट के साथ, व्यक्ति के साथ अगर शादी करता है तो हम इसको 50% डाउन कर सकते हैं। मित्रों, आज मेरी सरकार ये काम उस ट्राइबल बेल्ट में कर रही है कि आप इससे शादी करो, इससे ना करो। आपको होगा, सरकार को ये भी करना पड़ता है, औरों को नहीं करना पड़ता था, हमें करना पड़ता, क्योंकि हम इस दर्द से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और दूसरा, एक जब मैंने जाना कि स्टेम सेल के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है, और इसलिए अरबों खरबों रुपया सरकार की तिजोरी से खर्च करके सूरत में ये सेंटर हम खड़ा कर रहे हैं ताकि मेरे उन ट्राइबल बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इस भयानक पीड़ा से हम मुक्ति दिला सके। और उस अर्थ में गुजरात में स्टेम सेल इस क्षेत्र का विकास ज्यादा जितना होगा, मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे। मित्रों, हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से रिसर्च हो रहे हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली है, और जैसे जैसे ये सुविधाएं बढ़ती हैं तो नागरिक भी अब सुरक्षा को महसूस करता है तो बेपरवाह बन जाता है। अगर कार में एक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए एयरबैग की व्यवस्था है तो ड्राइवर को मन करता है कैसे भी चला लो, कोई बात नहीं, एयरबैग है, बच जाएंगे। ये जो टेम्परामेंट धीरे धीरे बन रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। आरोग्य की सुविधाएं कितनी ही क्यों न बढ़े, लेकिन भगवान हमें
उस सुविधाओं को लाभ लेने के लिए मजबूर न करें, ये देखना हम लोगों का दायित्व बनता है, एक नागरिक के नाते हमारा दायित्व। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा खुद को संभालने का जो स्वभाव सदियों से हमें विरासत में मिला है उसको हम ध्यान दें। मित्रों, हेल्थ सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस राज्य की प्रायोरिटी के काम है। डॉक्टरों की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए। अगर समय पर हम मेडिकल कॉलेजेस को निर्माण नहीं करते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। मेडिकल कॉलेजेस चाहिए तो फिर साइंस टीम की स्कूल चाहिए। आपको हैरानी होगी मित्रों, गुजरात में करीब 40 तहसील ऐसे हैं जो ट्राइबल तहसील ऐसे हैं, और 50 साल हो गए गुजरात को, ये 40 ट्राइबल तहसील ऐसे थे कि वहां 12th साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। दोस्त, पता नहीं इन लोगों ने कैसे राज्य को चलाया होगा। मुझे पीड़ा होती है, मैं राजनीति की आलोचना नहीं करता हूं, मुझे पीड़ा होती है। आज हमने इन सभी 40 तहसीलों में, यानी गुजरात में अभी एक भी तहसील ऐसा नहीं जहां साइंस स्ट्रीम की स्कूल ना हो, और उसमें से 12th से जो विद्यार्थी निकलेंगे उसमें अधिकतम मेडिकल में जाए, हमारा प्रयास है। तो दूसरा कदम हमने उठाया मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस का। मित्रों, एक सालों से अहमदाबाद, यानी यहाँ जितने डॉक्टर आए हैं उनको पूछो, अगर अहमदाबाद में पढ़े हैं तो बीजे मेडिकल या तो बीएस, दो मेडिकल कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज। हमने इतने साल इसी से गुजारा किया और हार्डली 500 विद्यार्थी, और एडमिशन के लिए डॉक्टरों की पहुंच ज्यादा होती थी तो उनके बेटों को जरा जल्दी मिल जाता था, तो वो दायरा भी बढ़ता नहीं था। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक ही दायरे में दुनिया चल रही थी। बुरा मत मानना डॉक्टर मित्रों, जो होगा वो सच बता रहा हूं। मित्रों, 2001 में अहमदाबाद में दो मेडिकल कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज थी। देश आजाद हुआ तब से हमने ये पाया था मित्रों, इसी एक दशक में 9 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं। जहां 500 स्टूडेंट थे आज करीब 1600 स्टूडेंट हैं, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं इसी एक ईयर में 600 नई सीटें गुजरात में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को प्राप्त हुई है। और हमारा मकसद है हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। सिविल अस्पताल का इतना बड़ा कैंपस, एक ही मेडिकल कॉलेज थी अब तक, इस वर्ष वहां एक और कैंसर के साथ जुड़ी हुई मेडिकल कॉलेज बन रही है। तो अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बल देना चाहते हैं, अधिकतम हमारे विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज में जाने का अवसर मिले। जिन डॉक्टर माँ बाप बहुत बिजी थे, जिनके बेटे 12th में अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाए क्योंकि माँ बाप मेडिकल काम में बहुत बिजी थे, अब डॉक्टर बनाना बेटे को जरूरी था क्योंकि फिर कारोबार कौन चलाएगा, तो उसको बेंगलोर भेजते थे, महाराष्ट्र भेजते थे, 20 लाख 25 लाख डोनेशन देते थे। मित्रों, सालों से बिलियंस ऑफ बिलियन रुपीस और राज्यों में डोनेशन में चले गए। वो डोनेशन के पैसों से अगर हम चाहते ना तो आज गुजरात में सब डिस्ट्रिक्ट में दो दो कॉलेज होते, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वो दिन गए, हम स्थिति बदल रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम हेल्थ सेक्टर को बहुत ही ताकतवर बनाएंगे, बहुत ही शक्तिशाली।